पूरे प्रदेश भर में एक तरफ तो दिवाली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग हर्षोल्लास के साथ बाजारों में खरीदारी के लिए जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर सीकर के लक्ष्मणगढ़ से एक बड़ी ही दुखद घटना सामने आई है, जिससे सभी की आंखें नम हो गई। दरअसल लक्ष्मणगढ़ में एक तेज रफ्तार बस पुलिया से जा टकराई, जिसके बाद 11 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा की संख्या में लोग घायल हो गए। वहीं आनन फानन में पुलिस ने लोगों की मदद से सभी घायलों को लक्ष्मणगढ़ और सीकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि मंगलवार को करीब 2 बजे सालासर से नवलगढ़ जा रही तेज रफ्तार बस लक्ष्मणगढ़ में ही पुलिया से टकरा गई, जिसमें बस का ड्राइवर साइड का पूरा हिस्सा चकनाचूर हो गया। वहीं हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 11 लोगों की मौत के बाद इनके परिवार में दिवाली की खुशियां मातम में बदल गई। हालांकि घटना के बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि सभी शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। वही सूचना के बाद जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, SP भवन भूषण यादव, सिटी DSP साहिन सिंह और ADM रतन कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया और अस्पताल में सभी घायलों को लेकर जानकारी ली। बताया जा रहा है कि बस को लक्ष्मणगढ़ पुलिया से बाई तरफ से जयपुर बीकानेर रोड की ओर जाना था। ऐसे में तेज रफ्तार होने के कारण बस पूरी तरह से घूम नहीं पाई और सीधे पुलिया से जा टकराई, जिससे बस का आगे का हिस्सा भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि सीकर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में बस दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी गहरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिवारजनों के साथ है। वहीं उन्होंने लिखा कि संबंधित अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे। लक्ष्मणगढ़ स्टैंड पे बहुत ही दर्दनाक हादसा बस का हुआ है। बहुत स्पीड से आकर के जो पुलिया है अंडरपास का, उस पे आके टकराई है। आधे दर्जन से ज़्यादा लोग हताहत हुए हैं, दर्जनों लोग बहुत ही सीरियस हैं। 3 को यहाँ से जयपुर रेफर भी किया है। निश्चित रूप से अभी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो घायल हैं उनका इलाज हो और जितने लोग बच सकें उनकी कोशिश में सब डॉक्टर्स लगे हुए हैं, और जो बहुत ज़्यादा सीरियस है उनको जयपुर रेफर किया 3 को, और बाकी भी अभी आ रहे हैं। सब एक साथ पहुँचे नहीं हैं, अभी भी उनके सब में डॉक्टर यहाँ लगे हुए हैं, प्रशासन भी यहाँ लगा हुआ। सबसे पहला काम है उनका ठीक से इलाज हो। और इस तरह से जो स्पीड से आई है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी स्पीड थी, इतने लोग घायल हुए हैं, जबकि 90 डिग्री का कोण है। सालासर से आने वाली अगर उधर जाती है नवलगढ़ जाने वाले को, तो वहाँ 20 से ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए, और 20 से स्पीड होती तो इतने लोग नहीं होते। इसलिए स्पीड कंट्रोल की चीज़ कहीं है नहीं, ये मैं समझता हूँ प्रशासन को देखना चाहिए। इस तरह से बेगुनाहों की जान जाना, आधे दर्जन से ज़्यादा लोगों की, ये बहुत ही दर्दनाक है और प्रशासन के लिए शर्मनाक है।